हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसमें बेसिकली नीट 2021 में दो क्वेश्चन आ गया था, बट जनरली एक क्वेश्चन ही आता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि एक ही क्वेश्चन आएगा, तो दो भी आ जाता है एक भी रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो अगर कोई पावर है, ये बेसिकली पावर है, एक बल्ब है मान लो, और ये मोनोक्रोमैटिक है। मोनोक्रोमैटिक मतलब होता है सिंगल रेड ग्रीन ब्लू इस तरह से रेडिएशन इमिट कर रहा है, जिसकी वेव लेंथ लैमडा 600 नैनोमीटर है, बराबर है। ये कहता है इसका पावर भी है। तो इसमें जो फोटॉन्स बाहर आ रहे हैं, ये जो फोटॉन्स, अगर जो रेडिएशन, ये जो रेडिएशन निकाल रहा है, जब मैं उस रेडिएशन को वेव कंसिडर कर रहा हूँ तो उसकी वेव लेंथ इतना है, और उसी रेडिएशन को अगर मैं पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूँ, फोटोन कंसीडर कर रहा हूँ, तो वो जो फोटॉन्स हैं उस फोटॉन्स का नंबर निकालना है। तो इस सोर्स का पावर दिया हुआ था, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, हमको फार्मूला याद है, पावर ऑफ द सोर्स वेव लेंथ अपॉन एच सी। ये कभी कभी कुछ बच्चों को ये फार्मूला भूल जाता है, तो बहुत आसान है। अगर ये नहीं याद है तभी भी, एनर्जी ऑफ एक फोटोन की होती है एच न्यू, तो एन फोटोन की हो जाती है एन एच न्यू। अब ये आ जाता है एन एच न्यू इज इक्वल टू सी अपन लैमडा, इसके बराबर हो जाएगा। अब पावर जो होती है वो होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और वर्क कुछ नहीं एनर्जी ही तो है, टाइम टी। तो यहाँ से अगर एनर्जी की वैल्यू वो पुट कर दोगे तो एन एच सी अपन और लैमडा टी, दैट इज पावर टी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ एच सी के इक्वल होता है। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो ये भी बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी है, ऐसे ही कर सकते हो, और बहुत आसान तरीके से मैं बताया हूँ। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स में डायरेक्ट सबकी वैल्यू डाल दो। पावर ऑफ सोर्स कितना है, 3 × 3 × 10⁻³ एंड लैम्डा 600 नैनोमीटर है, तो हमें मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 6.6 × 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर दूँ 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड से। तो ये सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है। तो पॉइंट ने पॉइंट को ख़त्म कर दिया, और ये 6 ने इसको 11, ये 3 टाइम्स में ख़त्म कर दिया, ये 3 ने 3 को ख़त्म कर दिया। तो ये आ जाएगा -1 -11 -10⁻⁻¹ और ये -18 और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, ये ऊपर गया 34, ठीक है। तो 34 18 10⁻⁙, तो ये जो है 10⁻⁙, दैट इज सी, थर्ड ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो।